सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को अपने मिशन बंगाल की शुरुआत कर दी है। स्वाइन फ्लू की बीमारी से उबर कर लौटे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने बंगाल के मालदा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह के इस दौरे पर जमकर विवाद भी हो रहा है। शाह के दौरे का आज दूसरा दिन है, जिसके तहत उन्हें झाड़ग्राम में रैली करनी थी, लेकिन हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन नहीं मिलने के चलते रैली रद्द करनी पड़ी है। मालदा की तरह ही अब झाड़ग्राम में भी अमित शाह के हेलीकॉप्टर को उतारने की इजाज़त नहीं मिली। ये लगातार दूसरी बार है जब शाह के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिली है। इससे पहले मालदा में भी ऐसा ही हुआ था। झाड़ग्राम की जिलाधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी को हेलीकॉप्टर उतारने की इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से पार्टी नेता रात भर डीएम को मनाते नजर आए। परमिशन न मिलने के बाद अब बीजेपी ने डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने की ठानी है। हालांकि अब रैली रद्द करने का फैसला किया गया है। महिला जिलाधिकारी होने के चलते पार्टी की ओर से महिला मोर्चा को आगे किया गया। महिला मोर्चा की ओर से डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। गौरतलब है कि अमित शाह के हेलीकॉप्टर को पहले मालदा में भी उतारने की परमिशन नहीं मिली थी, जिसके चलते अंतिम समय में एक निजी होटल के ग्राउंड में हेलीकॉप्टर को उतारा गया। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।